सो एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं पेयर एनिहिलेशन पर। कि एक पार्टिकल और एंटी पार्टिकल है, वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। द पार्टिकल इज म्यून, म्यू माइनस। आपको पता लगेगा यहां से कि ये भी एक पार्टिकल होता है, और एक उसका एंटी पार्टिकल दैट इज द म्यू पॉजिटिव, है ना। ये म्यून है, दिस इज म्यून, ठीक है ना। इसको पार्टिकल का नाम है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे हम, वहां पर इन पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। और इसका रिजल्ट क्या होता है बेटा, दो फोटॉन्स जो है बाहर निकलते हैं। द फर्स्ट फोटोन एंड सेकेंड फोटोन, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल टकराते हैं और इससे दो फोटोन बाहर निकलते हैं, ठीक है। आप ऐसे आइदर फोटॉन्स को ऐसे दिखा दो, या अगर आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ऐसे भी दिखा सकते हो। कैसे, एक इधर गया और मिलते ही एक इधर, दोनों कंबाइन हो और कंबाइन होते हैं, दोनों में से फोटॉन्स बाहर निकले, ठीक है बेटा। इस तरीके से प्रोसेस हुआ, ठीक है। क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटॉन। Given that जो velocity of mu minus and mu plus are equal, तो equal है and opposite है, ठीक है। वो इक्वल है, ये दे रखा है कि दोनों की जो वेलोसिटीज हैं वो इक्वल है और अपोजिट है। दूसरा बेटा, रेस्ट मास ऑफ म्यून दे रखा है 207 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यून में जो मास है वो 207 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो अब हमें काम करना है, क्वेश्चन को निकालना है। तो ध्यान से सुनेंगे बेटा, लगाएंगे वही, हमारे पास दो ही चीजें, एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन और एक एनर्जी कंजर्वेशन। तो उन्हीं को लगाकर हमें इक्वेशन को सोल्व करना है। तो लेट्स सोल्व, कैसे करते हैं मैं वो आपको बताना चाह रहा हूं। एक भी नई टर्म नहीं लिखूंगा मैं, सिर्फ आपको अप्लाई करना आना चाहिए। तो अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन बेटा, जो पीआई होगा वही आपके किसके बराबर आएगा, बोलो जल्दी। मोमेंटम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग पीएफ है ना बेटा, जो इनिशियल जो सिचुएशन आएगी वो फाइनल के बराबर आनी चाहिए। मोमेंटम कंजर्वेशन यही कहता है। अब देखो, पीआई को मैं लिख सकता हूं मोमेंटम ऑफ म्यून प्लस म्यून मोमेंटम ऑफ म्यून का एंटी पार्टिकल इज इक्वल टू फोटोन नंबर वन का मोमेंटम प्लस फोटोन नंबर टू का मोमेंटम। ये तो बनेगा बेटा टोटल मोमेंटम जो प्रीवियस और फाइनल दोनों ही क्या है बेटा, बराबर। तो चीजें दे रखी हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहली चीज दे रखी है बेटा कि मास जो है, मोमेंटम अगर मैं पहले वाले का देखूं तो बेटा मोमेंटम का फॉर्मूला बताया था मैंने, गामा मास इनटू द वेलोसिटी प्लस गामा मास इनटू वेलोसिटी। बेटा मोमेंटम यही तो था, लेकिन जो दूसरा वाला पार्टिकल है उसकी स्पीड और पहले वाले की स्पीड दोनों बराबर है और वो अपोजिट है। तो बेटा ये माइनस साइन लेंगे नहीं लेंगे, यहां पर बताओ। एक पे प्लस लेंगे तो दूसरे वाले पे क्या लेंगे बेटा, माइनस लेंगे। अरे मैं सही बात लिखी है नहीं लिखी बताओ ना, अभी तो ये बात करवाई थी। तो दोनों का अगर देखें तो इधर बेटा जीरो आ गया, एंड दिस थिंग इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू। ये आपका रिजल्ट आया मोमेंटम कंजर्वेशन। अब इस रिजल्ट से मैं क्या निकालूंगा, मैं उस चीज के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। देखिएगा, अगर इस ये रिलेशन आई है तो इस रिलेशन को आप ऐसे लिख सकते हो बेटा,
P1 is equal to minus of P2, P1 P2 के क्या रहेगा? Negative रहेगा. तो P1 plus P2 अगर 0 है तो क्या क्या बेटा उसको right hand side में ले आए, तो P1 is equal to minus of P2. या बेटा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि magnitude of P1 is equal to the magnitude of P2. बेटा minus क्या represent कर रहा है? कि direction opposite है, लेकिन magnitude बराबर है. डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दोनों की डायरेक्शन अपोजिट. ठीक है, अगर मैं दोनों साइड उसको सी से मल्टीप्लाई कर, तो बेटा क्या आएगा बताओगे मेरे को? P1 इंटू C1 किसके बराबर होता है? सर एनर्जी. यस, तो हम लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ फर्स्ट फोटोन is equal to the energy of a second photon. तो ये एक relation आ गई बेटा. Momentum conservation से मैं ये एक relation को लेकर आया कि आपका energy जो है वो पहला और दूसरे photon की बराबर होगी. वो कितनी होगी उससे मुझे अभी नहीं लेना देना, वो मैं निकालूंगा, लेकिन दोनों की energy जो है वो बराबर रहेगी, ये चीज बेटा मैंने निकाली. क्लियर बताओ बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. बताइए मेरे को अगर आपको समझ में आ रहा हो तो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं. Yes, sir. बताओ बेटा क्लियर है यहां तक? Yes, sir. अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस चीज को देखते हैं कि क्या कुछ है. देखिएगा, अब हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं. मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन से एक रिजल्ट निकाला कि E1 इज इक्वल टू E2. अब मैं एनर्जी कंजर्वेशन इस पर लगाता हूं. नेक्स्ट इज अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन. एनर्जी कंजर्वेशन हम अप्लाई करते हैं. तो जब आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे तो उससे क्या रिजल्ट आएगा बेटा? वही सेम बात, एनर्जी ऑफ म्यून प्लस उसका एंटी पार्टिकल इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द फर्स्ट फोटोन एंड एनर्जी ऑफ द सेकंड फोटोन. बताओ बेटा पहले फोटोन और दूसरे फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? कोई बच्चा बताएगा मुझे? हाँ जी, पहले फोटोन और सेकंड फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? अरे दोनों एनर्जी बराबर नहीं है क्या? तो क्या मैं इसको ट्वाइस ऑफ E1 लिख सकता हूं? E μ + E μ+. बताओ ये इक्वेशन आ जाएगी नहीं आ जाएगी? हाँ जी. यस सर. अब देखो एनर्जी ऑफ द म्यून, तो एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, एनर्जी ऑफ मास आर इंटर रिलेटेड, That is equal to mc square. इसी चीज का हम इस्तेमाल करेंगे बेटा, is equal to mc square. तो e mu minus आपका just आ गया कितना? m mu c square. अब बेटा एक चीज और बताता हूं, आपको एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है. क्या मैं बता रहा हूं, ये m mu क्या दे रखा है? mu क्या है बेटा? ये रिलेटिविस्टिक मास है. रिलेटिविस्टिक मास mu क्या है? रिलेटिविस्टिक मास है, मतलब वो मास है जो वेलोसिटी को अपने अंदर समेट रखा है. मतलब मैं समझाता हूं. देखो मैंने बेटा आपको टोटल एनर्जी का एक फार्मूला लिखवाया था, द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू गामा इंटू m इंटू c स्क्वायर. बताओ बेटा ये फॉर्मूला था, द टोटल एनर्जी इज गामा एम इंटू सी स्क्वायर. ये फॉर्मूला था या नहीं था बेटा बोलो? अरे से यस और नो? यस सर. यस सर. अब जो गामा इंटू एम होता है ये बेटा क्या कहलाता है? टोटल. देखो एम नोट क्या कहलाता है? रेस्ट मास. और गामा इंटू एम कहलाता है रिलेटिविस्टिक मास. तो E is equal to mc square लिख सकता हूं.
वेयर एम क्या है, एम इज नॉट द रेस्ट मास, एम इज द रिलेटिविस्टिक मास. क्लियर बेटा, ये चीज क्लियर हुई है नहीं हुई बताओ मुझे. यस सर. तो मैं इस पहले म्यून की मैं लिख सकता हूं एम म्यू माइनस सी स्क्वायर, एम म्यू प्लस सी स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ पी वन. क्लियर बेटा. अब आपको पता है पार्टिकल और एंटी पार्टिकल दोनों का मास क्या होता है, बराबर. आई टेक इज ट्वाइस ऑफ एम म्यू माइनस सी स्क्वायर इज टू ई वन. नाउ टू से टू कैंसिल, सो द ई वन इज एम म्यू सी स्क्वायर, या आपकी ई वन आ गई. और बेटा किसी भी फोटोन के अंदर एनर्जी किसके बराबर हो सकती है, कोई बच्चा बताएगा? दैट इज एच सी बाई लैम्डा. अरे यही तो एनर्जी होती है किसी भी फोटोन के पास, द एनर्जी विल बी एच सी बाई लैम्डा. तो यहां से क्या आ गया, एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू एम म्यू सी स्क्वायर. सो आई पुट हियर, सो लैम्डा आपका आ गया एच सी बाई एम म्यू सी स्क्वायर. सो दैट इज द एच सी बाई. कोई मेरे को बताएगा मास ऑफ म्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? 207 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द सी स्क्वायर. क्लियर बेटा. यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है. आज मैंने इसमें यही बताया कि जो टोटल एनर्जी है उसको हम रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं, टोटल एनर्जी को हम मोमेंटम की टर्म में भी लिख सकते हैं, और टोटल एनर्जी का एक और अच्छा एक्सप्रेशन बताया गामा इनटू एम इनटू सी स्क्वायर. यहाँ पर गामा इनटू एम क्या कहलाता है, रिलेटिविस्टिक मास कहलाता है, जिसको मैं कैपिटल एम से भी दर्शा रहा हूं. ठीक है ना. तो इस तरीके से मैं अपनी कहानी को आगे बढ़ाऊंगा. बताइए बेटा यहाँ तक आपको क्लियर है या नहीं है, आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा. क्लियर है सर. अब सी से सी कैंसिल हो गया है, राइट. टेक लैम्डा इज वैल्यू पुट करूंगा, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34, 207 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1, 10 रेज टू पावर माइनस 31, एंड दिस इज 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8. आप बताइए मुझे एक सोल्व करके कितना आता है, आप खुद बताएंगे. 0.1 एंगस्ट्रॉम. 0.1 एंगस्ट्रॉम. चेक करो बेटा ये सही है या गलत है, मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है. निकालना पड़ेगा, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है हमें. 6.6 और नीचे है सर 1.16 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 14. हाँ ये सही लग रहा है. दो तीन बच्चे निकालो फिर पता लगेगा. यही सर 1.16 इनटू 10 टू पावर माइनस 14. हाँ तो ये एंगस्ट्रॉम में गलत हो गया मतलब. कितना है बेटा लैम्डा की वैल्यू बता रहे हैं बच्चे, 1.16 इनटू 10 रेज टू पावर माइनस 14. माइनस 14 यस सर. ये आपका लैम्डा आना चाहिए. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द पेयर एनिहिलेशन प्रोसेस. ठीक है बेटा, इन टॉपिक्स का ये फायदा है कि इन टॉपिक्स में फिक्स्ड क्वेश्चन है कि ऐसा ही कुछ पूछा जा सकता है. ठीक है ना. तो मैं लास्ट पॉइंट तक पहुंच गया बेटा, लैम्डा दे दिया, कोई एनर्जी पूछ लेगा, एनर्जी तो वैसे ही निकाल सकते हो, कोई फ्रिक्वेंसी पूछ लेगा, कोई वेव नंबर पूछ लेगा. वेव नंबर होता है 1/लैम्डा. ठीक है ना. तो पूछेगा उन्हीं में से जो आपको करवाया गया है. आप बताइए कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो बताओ, अन्यथा मैं आगे चलता हूँ. ये टॉपिक यहीं आपका खत्म होता है पेयर एनिहिलेशन. तो मेनली आज हमारा जो डिस्कशन था वो पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिलेशन पर था. क्लियर. अब मैं आगे मूव करता हूँ और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के ऊपर चलता हूँ कि डी ब्रोगली क्या कहता है. नोट कर लिया बेटा यहां तक? यस सर. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक.
डी ब्रॉगली, या आप लिख सकते हो वेव नेचर ऑफ मैटर, ऑफ मैटर. अब तक हम जो पढ़ रहे थे वो आप पढ़ रहे थे पार्टिकल एस्पेक्ट ऑफ रेडिएशन. रेडिएशन को पार्टिकल मानकर, फोटोन मानकर, अब ये कह रहा है कि पार्टिकल को आप वेव मानकर भी कुछ चीजें एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है ना. तो क्या कहता है, पहले इसका नियम समझते हैं फिर हम आगे चलते हैं. तो वेव नेचर ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग क्या बात कह रहा है. अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल मैकेनिक्स के तहत द पार्टिकल कैन बिहेव एज ए पार्टिकल. पार्टिकल किसकी तरह बिहेव करता है, पार्टिकल की तरह बिहेव करता है. क्लासिकल थ्योरी कहता है पार्टिकल पार्टिकल रहेगा एंड वेव वेव रहेगा, एंड वेव कैन बिहेव लाइक ए वेव. ठीक है, क्लासिकल थ्योरी यही कहती, इतनी बात कहती है, पार्टिकल को पार्टिकल मानो, वेव को वेव. लेकिन आज जैसे ही हम क्वांटम थ्योरी में प्रोसीड करते हैं चीजें हमारी बदल जाती है. क्या, पार्टिकल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, साथ में इसमें एक और भी बात है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में पार्टिकल किससे कैरेक्टराइज होता है बेटा, पार्टिकल इज कैरेक्टराइज्ड बाय एनर्जी एंड मोमेंटम. पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड पैरामीटर्स क्या होते हैं बेटा, एनर्जी एंड मोमेंटम एंड वेव, और वेव के साथ एंड वेव इज कैरेक्टराइज्ड बाय बाय एम्पलीट्यूड. उसका कितना एम्पलीट्यूड है वेव का, वेवलेंथ क्या है, वेव वेक्टर क्या है, वेव वेक्टर जिसको मैं प्रोपोगेशन वेक्टर के भी कहता हूं, ठीक है, कोमा लगाता हूं. एम्पलीट्यूड हो गया जिसको जर्नली मैं ए से डिनोट करता हूं, वेव वेक्टर हो गया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हो गई एंड वेवलेंथ. जब भी वेव आती है तो इन चीजों के बारे में मुझे अक्सर देखने को मिलता है कि वेव वेक्टर क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, ठीक है ना. और जब भी कोई पार्टिकल आता है तो मुझे क्या मिलता है, पार्टिकल की एनर्जी क्या है, पार्टिकल का मोमेंटम क्या है, ये चीजें देखने को मिलती है. तो पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड जो पैरामीटर्स हैं, या किसी भी पार्टिकल को अगर आपको बताना है उस पार्टिकल के बारे में, तो वी नीड एनर्जी एंड मोमेंटम. लेकिन अगर आपको वेव बताना है तो उसका एम्पलीट्यूड चाहिए, वेव वेक्टर चाहिए, फ्रीक्वेंसी वेव लेंथ आपको चाहिए. तो क्लासिकल थ्योरी इतना ही कहती है कि पार्टिकल पार्टिकल है, वेव वेव है, और पार्टिकल को दर्शाने के लिए एनर्जी मोमेंटम चाहिए, वेव को दर्शाने के लिए एम्पलीट्यूड वेव वेक्टर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ चाहिए. इतना सा बात कहती है क्लासिकल थ्योरी. लेकिन क्वांटम थ्योरी क्या कहती थी और आगे डी ब्रॉगली क्या कहता है उसके बारे में जानते हैं. इसके बॉक्स में डाल लेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट को. ये क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग था, इसको एक बॉक्स में डाल लीजिएगा. अब बात करते हैं इन 1923 डी ब्रॉगली आए और डी ब्रॉगली ने एक बात कही. डी ब्रॉगली पोस्टुलेटेड दैट अ मूविंग पार्टिकल कैन बिहेव लाइक पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकता हूं
जो प्लैंक्स ने बताई थी, फोटोन्स के बारे में बताया था 1900 में 1900। लेकिन डी ब्रोगली ने कहा कि जब प्लैंक्स किसी भी पार्टिकल किसी भी वेव को पार्टिकल मान सकता है, जब प्लैंक्स किसी भी वेव को पार्टिकल मान सकता है तो क्यों ना किसी भी पार्टिकल को एज ए वेव समझ सके। 1923 में डी ब्रोगली पोस्टुलेट दैट ए मूविंग पार्टिकल कैन बिहेव लाइक ए वेव, वेव की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा, ठीक है। और उस वेव की जो वेवलेंथ होगी, द वेवलेंथ, उसको हम डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं, द डी ब्रोगली, द डी ब्रोगली आईईआई वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास एम नॉट, पार्टिकल का रेस्ट मास एम नॉट दे रखा है, मूविंग विद वेलोसिटी वी इज गिवन बाय, जो वेवलेंथ है बेटा उसको मैं कैसे दर्शाऊंगा, कैसे डिनोट करूंगा डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग, द वेवलेंथ लैम्डा इज एच बाई पी, पी इज द मोमेंटम, जहां पर पी क्या है, वेयर पी इज द मोमेंटम, पी क्या रहेगा, मोमेंटम रहेगा, ठीक है ना। तो डी ब्रोगली ने कहा पी का भी बल्कि मैग्नीट्यूड देते हैं बेटा, अच्छे से लिखवाता हूं मैं इसको, पी का मैग्नीट्यूड। सो वेवलेंथ जो रहेगी वो एच अपॉन पी रहेगा, वेयर पी इज द मैग्नीट्यूड, ओके। और इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिखवाने की कोशिश करता हूं कि रिलेटिविस्टिक वेवलेंथ क्या होती है, नॉन रिलेटिविस्टिक वेवलेंथ क्या होती है, इन चीजों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। मैं आगे चलता हूं। सो डी ब्रोगली ने 1923 में यही बात कही कि कोई भी पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करेगा, और उस वेव की जो वेवलेंथ है, मतलब कोई भी पार्टिकल है, मास एम है, वेलोसिटी वी है, वो बिहेव करेगा एक वेव की तरह, और उस वेव की जो वेवलेंथ है दिस वन, and this lambda is h upon the momentum। अब momentum कैसे लिखा जाएगा उसके बारे में मैं आपको बताऊं। पहले मैंने आपको जस्ट ये बताया कि डी ब्रोगली ने कहा कि lambda is equal to h by p, p is the momentum, ठीक है बेटा, momentum आपका है, क्लियर। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं, यहां तक नोट कर लिया हो तो मैं आगे चलूं बेटा, बोलो। यहां तक आपका नोट हो गया हो तो बताओ मेरे को। सो लैम्डा आपका आ गया बेटा फाइनली, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, जो पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड जो वेव है उसकी वेवलेंथ है, वो कितनी आएगी, एच अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट। नाउ लेट्स कैलकुलेट दिस मोमेंट। मैं दो केस करके आपको समझाना चाह रहा हूं। केस नंबर वन, हाँ अभी करता हूं बेटा, लीजिए। ओके सर, ओके। सो केस वन लेके चलता हूं कि अगर पार्टिकल नॉन रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अब इसका मतलब समझते हैं, हालांकि मैं आपको बता चुका हूं इसका मतलब, फिर भी देख लीजिए कि इफ पार्टिकल मूव with a non-relativistic velocity, non-relativistic velocity के मतलब the velocity is very very small as compared to speed of light,
सी के कंपैरिजन में आपकी बहुत छोटी क्या रहेगी बेटा, वेलोसिटी रहेगी, ठीक है ना। तो उस केस में आपका लैम्डा का फॉर्मूला क्या है, तो उस केस में बेटा जो मोमेंटम होता है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, मोमेंटम होता क्या है, मोमेंटम इज मास इनटू द वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू में वेलोसिटी, ठीक है ना। तो आप जस्ट m इनटू v लिख सकते हो, v इज द वेलोसिटी हियर, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। तो एक फॉर्मूला तो ये बन गया, ये लैम्डा इज h अपॉन mv। लेकिन याद रखना ये डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला है नॉन रिलेटिविस्टिक केस में, ये लैम्डा इज h अपॉन mv, ये तभी फॉर्मूला एप्लीकेबल है जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, उसी समय फॉर्मूला आपका क्या है, वैलिड, अन्यथा ये फॉर्मूला आपका वैलिड नहीं होगा। और बातें बताता हूं, ये पहला फॉर्मूला हमारा निकल गया है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और निकालते हैं बेटा ये क्या आया, इन टर्म्स ऑफ, ये फॉर्मूला निकल के आया इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम या मास एंड वेलोसिटी, है ना, मास और वेलोसिटी के टर्म में फॉर्मूला निकल के आया है लैम्डा का। इस फॉर्मूले का और हम रूप देखते हैं बेटा, काइनेटिक एनर्जी जो होती है अकॉर्डिंग टू द नॉन रिलेटिविस्टिक केस, द काइनेटिक एनर्जी इज पी स्क्वायर बाय 2m। पढ़ा ये बात बेटा आपने कभी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पी स्क्वायर बाय 2m, मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। कैसे निकल के आती है ये चीज मैं बता देता हूं, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, मास से मल्टीप्लाई कर दो, मास से डिवाइड कर दो, तो नीचे तो 2m और ऊपर एम वी का होल स्क्वायर, और एम वी के होल स्क्वायर को ही तो पी स्क्वायर कहते हैं। तो नॉन रिलेटिविस्टिक केस में काइनेटिक एनर्जी को हम पी स्क्वायर बाय 2m लिख सकते हैं, सिर्फ नॉन रिलेटिविस्टिक में, रिलेटिविस्टिक में यही फॉर्मूला आपका बदल जाता है, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इज पी स्क्वायर बाय 2m, दिस इंप्लाइज आपका जो मोमेंटम आया उसको मैं लिख सकता हूं अंडर द रूट 2m इनटू द काइनेटिक एनर्जी, इनटू द काइनेटिक एनर्जी। सो अगर मोमेंटम ये आ गया तो लैम्डा का एक और फॉर्मूला आ गया, दैट इज h अपॉन द मोमेंटम इज अंडर द रूट 2m, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। सो ये एक और फॉर्मूला ड्राइव किसके टर्म में बेटा, दिस फॉर्मूला इज इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी गिवन हो उस समय बेटा ये फॉर्मूला आपका क्या है, एप्लीकेबल नॉन रिलेटिविस्टिक केस में। रिलेटिविस्टिक केस में और फॉर्मूले आएंगे बहुत ज्यादा वेवलेंथ, ठीक है ना, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मैं क्या करवा रहा हूँ आपको, नॉन रिलेटिविस्टिक केस में फॉर्मूले ट्राई करवा रहा हूँ। आई थिंक आपको ये दो फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे, और मैं तीसरे फॉर्मूले की तरफ पढ़ता हूँ। याद है क्लियर सभी बच्चों को? Yes, sir. Okay. Now, next formula क्या निकल के आता है बेटा वो लिखते हैं, तो आई थिंक आपको अगर नोट हो गया हो तो मैं आगे मूव करूं। बेटा आगे चले? Yes, sir. Okay. Now, the next formula क्या निकल के आता है, जो मैं काइनेटिक एनर्जी कह रहा हूं बेटा, ये काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल को मिलती कैसे, देखो सपोज करो ये मैंने दो प्लेट लिया और इस प्लेट के ऊपर एक पोटेंशियल लगा दिया, प्लेट के ऊपर मैंने V पोटेंशियल लगा दिया, V इज द पोटेंशियल, ठीक है ना, V इज द पोटेंशियल, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, दिस इज द पोटेंशियल। आप कंफ्यूज मत होना वेलोसिटी और पोटेंशियल, दिस इज द पोटेंशियल, दिस इज द V, दैट इज द पोटेंशियल, ये क्या है पोटेंशियल। आप वेलोसिटी और पोटेंशियल में प्लीज कंफ्यूज मत होना,
मैं वेलोसिटी ऐसे लिख रहा हूं और मैं पोटेंशियल ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। सो अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां होता है और मैं अगर उसको वी पोटेंशियल अप्लाई कर देता हूं तो उस इलेक्ट्रॉन के पास एक काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, क्योंकि तभी तो देखो ये नेगेटिव लगाया हमने, तभी तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिस काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी कितनी पॉजिस करता है, दिस इज द चार्ज ऑन इट या ई इंटू द पोटेंशियल, ठीक है। तो द काइनेटिक एनर्जी द पॉजिस बाय द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द वी पोटेंशियल इज ई इंटू वी। सो काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूं ई इंटू द पोटेंशियल, ठीक है ना, और पोटेंशियल मस्ट बी इन वोल्ट, ये पोटेंशियल किसमें होगा, वोल्ट में होगा। अब अभी अभी मैंने एक लैम्डा का एक्सप्रेशन निकाला है, वी हैव फाइंड द लैम्डा दैट इज एच अपॉन अंडर द 2m इनटू द काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं इस काइनेटिक एनर्जी को पुट कर देता हूं तो आई गेट द फेमस एक्सप्रेशन ऑफ लैम्डा दैट इज एच अपॉन अंडर द रूट 2m इनटू ई इनटू द पोटेंशियल। और थोड़ा सोल्व करते हैं तो एच अपॉन अंडर द रूट 2m इनटू v, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन। तो ये आपका एक थर्ड एक्सप्रेशन आ चुका है, किसके टर्म में बेटा, इन टर्म ऑफ वी कैन से दैट पोटेंशियल, पोटेंशियल की टर्म में एक तीसरा एक्सप्रेशन आपके सामने तैयार है, ठीक है ना, पोटेंशियल की टर्म में है बेटा ये एक्सप्रेशन। तो दिस इज अगेन वन ऑफ द इंपोर्टेंट एक्सप्रेशन वी हैव। नाउ इस एक्सप्रेशन के अंदर हम जनरली क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट करके याद रखते हैं। एच की वैल्यू आपको पता है 6.6 × 10⁻³⁴ होती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 9.1 × 10⁻³⁻³ होता है, आपको ई पता है 1 × 6 1.6 × 10⁻⁹ होता है, और इनटू द पोटेंशियल। सो फाइनली ऑन द बेसिस ऑफ द कैलकुलेशन अगर मैं इनको काट फिट देता हूं तो आई गेट ए रिजल्ट दैट इज आई थिंक That is basically for electron, we can say that. For electron. For electron, this formula is for electron. Electron के लिए, क्योंकि आपने जो mass use किया है, this mass is mass of the electron we have. ये formula proton के लिए भी आ सकता है, उसमें आपको ये mass जो use करना पड़ेगा, वो mass of the proton use करना पड़ेगा. ठीक है ना, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में. So, lambda आपका आता है h upon 2 MeV, और ये फॉर इलेक्ट्रॉन अगर मास आप 9.1 पुट कर देते हो तो ये फॉर्मूला निकल के आता है जिसको आपको हमेशा याद रखना है 12.27 अपॉन अंडर द रूट द पोटेंशियल। तो जो भी पोटेंशियल है वो पुट करो, द पोटेंशियल मस्ट बी इन द वोल्ट, और जो रिजल्ट आपका आएगा वो एंगस्ट्रॉन में आएगा। या बेटा ये फॉर्मूला याद कर लो, दोनों ही फॉर्मूले इंपोर्टेंट है, अंडर द रूट 150 अपॉन द पोटेंशियल, ये भी आंसर आपका एंगस्ट्रॉम में है। तो ये तो रिजल्ट है, ये आपको सोल्व करके देखना है ताकि इन फ्यूचर जब सीधा पोटेंशियल गिवन हो तो मैं वैल्यू पुट करूं और काम करना प्रारंभ करूं। फॉर इलेक्ट्रॉन के केस में बताया बेटा मैंने ये भी, अगर मैं आपको होमवर्क देता हूं कि आप फॉर प्रोटॉन करना, तो अगर प्रोटॉन करोगे तो लैम्डा क्या आएगा, 6.6 × 10⁻³⁴ डिवाइड बाय 2 एंड द मास ऑफ द प्रोटॉन इज 1.6 × 10⁻²⁷ एंड 1.6 × 10⁻⁹ एंड द पोटेंशियल। सो ये एक्सप्रेशन भी मेरे को तो याद है 0.287 आता है, लेकिन आपको भी ये एक्सप्रेशन निकाल के देखना है, वेरीफाई करना है कभी मैंने गलत तो नहीं लिखवा दिया है,
और पोथ फॉर प्रोटॉन और फॉर इलेक्ट्रॉन आपको रिजल्ट भी याद होना चाहिए, ताकि मैं क्वेश्चन में दूं एक नॉन रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन किस पोटेंशियल से एक्सलरेट होता है, बताओ उसके साथ एसोसिएटेड कितनी वेवलेंथ होगी, तो आप सीधा फॉर्मूले में पुट करो और आपको रिजल्ट मिल जाए। इन फॉर्मूलों के लिए आप तैयार रहेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा रिलेटिविस्टिक केस के लिए और फिर हम आगे का डिस्कशन करेंगे। तो यहां तक का काम होप सो आपको आ जाएगा। आपका जो टेस्ट होगा कल, उसमें यहां तक का सिलेबस इंक्लूड होगा बेटा, नॉन रिलेटिविस्टिक यहां तक का सिलेबस इंक्लूड है। 10 क्वेश्चन दूंगा मैक्सिमम में और उनको आराम से तसल्ली से आपको करना है, ठीक है। अभी मैंने टेस्ट बनाया भी नहीं है, बनाऊंगा फिर मैं आपको, तो आराम से रिविजन करो ठंडक से और 5 बजे कल आपका टेस्ट हम लेंगे। किसी बच्चे का कोई सर उसी ऐप पे होगा? हाँ उसी ऐप पे होगा, ऐप पर ही होगा टेस्ट, ठीक है ना, कॉमन टेस्ट हो जाएगा। मैं दोनों का एक कॉमन बना दूंगा ऐप, दोबारा लिंक भेज दूंगा उस पर हो जाएगा, ठीक है बेटा। सर हाँ बोलो सर, ये वी के ऊपर ये लाइन लगा रखी, इसके क्या मतलब है? जस्ट मैंने वेलोसिटी और पोटेंशियल को बेटा अलग किया है ना, ताकि वो आपको कंफ्यूजन ना बचे। ओके सर, है ना, वेलोसिटी और पोटेंशियल को मैंने जस्ट बेटा अलग किया है ना, कभी आप ये वी को वेलोसिटी ना समझ लो इसलिए बेटा, और कोई मतलब नहीं है ना, वरना देखो दोनों वी भी दर्शाता तो कभी आप वेलोसिटी समझते कभी कुछ समझते, इसलिए बेटा मैंने ऊपर ही कह दिया वी पे मैं ऐसे गुंडी सी लगाऊं तो वेलोसिटी समझ लेना और ऐसे मार्क करो तो पोटेंशियल समझ लेना, और इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, ठीक है बेटा। सर ये वीडियो अपलोड कर दोगे क्या सर यूट्यूब पर? हां अवश्य कर देंगे बेटा, है ना, आज शाम तक। जो लॉस हो गया था बीच में? यस सर, मैं 2 दिन अब्सेंट थी सर। आपका कोई नहीं, ठीक, 2 दिन की कर देंगे, ठीक। चलो थैंक यू सो मच फॉर टुडे क्लास, थैंक यू बेटा, थैंक यू सर।